हेलो गाइस, मैं राहुल सिन्हा टूर विद राहुल में आपका स्वागत करता हूं। तो गाइस, आज हम लोग लेकर आए हैं छोले भटूरे जो भिकाराम चंदमल से, देख सकते हैं यहां पे भिकाराम चंदमल जो हम लोग अपना 11 नंबर से लेके आए हैं डल्लभ ब्रांच का। और गाइस, इसका हम लोग प्राइस पर आया दो छोले भटूरे का 130 रुपीज, जो यहाँ पे बिल के साथ है हमारे पास। आप बिल भी देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे 130। और चलिए इसको निकालते हैं और आपको इसका टेस्ट बताते हैं। गाइस, चलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। गाइस, चलिए चलते हैं छोले भटूरे में। तो गाइस देखिए, हम छोले भटूरे को निकालेंगे इस पैकेट से। गाइस, ये पैकेट से निकल चुका है। और ये गाइस छोले भटूरे जो हम लोग इसका भी अनरैपिंग करेंगे। तो गाइस, आप देख सकते हैं हमने इसको रैपिंग से हटा दिया है। यहाँ पे हमारे छोले भटूरे तैयार हैं। भटूरे अभी एल्युमिनियम फॉइल में पैक है। सलाद, यहाँ पे सलाद में आपको एक मिर्चा, तीन खीरा और दो टमाटर मिला है गाइस, और दो आलू दम मिला है, एक थोड़ा सा अचार है और चना मसाला है। और भटूरे आपको अनरैप करके दिखा रहे हैं। तो गाइस, मैंने आप लोगों को छोले भटूरे अनरैप करके दिखाया, इसमें क्या क्या दिया है मैंने गाइस वो सब भी आप लोग दिखा दिया। तो गाइस दिखाते हैं भटूरे का साइज क्या है। गाइस वैसे देख सकते हैं भटूरे का साइज अच्छा बड़ा है, जो एक पूरा प्लेट को ये कवर कर पा रहा है, अब देख सकते हैं। तो गाइस चलिए दिखाते हैं इसका टेस्ट। तो गाइस देखिए, हम लोग एक भटूरे का साइज कर रहे हैं और बताते हैं इसका टेस्ट। तो गाइस, हम लोग एक भटूरे ऐसे निकाल चुके हैं और ये गाइस हम लोग इसको तोड़ के आपको टेस्ट बताते हैं। तो गाइस भटूरे बहुत ही सॉफ्ट हैं, ये आराम से टूट रहे हैं। तो गाइस पहले चना मसाला ऐसा टेस्ट है जो उसका फेमस है गाइस। और चना मसाला बहुत ही ग्रेवी है, बहुत अच्छा लग रहा है दिखने में, आप देख सकते हैं गाइस। तो गाइस लेते हैं, तो गाइस भटूरे और चना मसाला टेस्ट तो बहुत अच्छा आ रहा है। जो ये गाइस 130 रुपीज का वर्थ है, ये टेस्ट बहुत अच्छा आ रहा है, टेस्ट बहुत अच्छा आ रहा है। तो गाइस हम आपको आप आलू दम के साथ भी टेस्ट करके बताएंगे। तो गाइस बता दे टेस्ट करके आलू दम के साथ। तो गाइस आलू बहुत ही सॉफ्ट, अच्छा सीझा हुआ है। जब ग्रेवी लेते थोड़ा सा, आलू दम का टेस्ट बहुत अच्छा, आलू दम में मस्टर्ड का टेस्ट गाइस वो बहुत अच्छा आ रहा है। तो चलिए आपको और चना मसाला के साथ खा के दिखाते हैं। कैसे देख सकते हैं, मैंने और एक बाइट तोड़ रहा हूँ भटूरे का, तोड़ लिया हूँ। और ये मैं चना मसाला लूंगा यहाँ पे, वैसे मैं यहाँ ले लिया हूँ। गाइस में टेस्ट बहुत ही अच्छा, चना मसाला टेस्ट गाइस बहुत अच्छा आ रहा है। इसमें चना भी अच्छा है, कुक किया हुआ है,
मसाले टेस्ट बहुत अच्छा आ रहा है। हाँ तो गाइस हम लोग अचार के साथ ही थोड़ा टेस्ट कर बताएंगे आपको। गाइस ये देख सकते हो अचार है यहाँ पे। तो गाइस हम लोग भटूरे का एक पीस तोड़ते हैं छोटा सा और चना मसाले के साथ अचार भी लेंगे इस बार। तो ऐसे ये मैं चना मसाले ले चुके हैं, साथ में थोड़ा अचार लेंगे आप। कैसी रहा? नहीं अचार अचार में कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा आ रहा है, इसमें एक टैंगी जैसा एक फ्लेवर आ रहा है स्पाइसी टैंक का, जो अच्छा कॉम्बिनेशन दे रहा है गाइस, बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं बीकानेर में जाकर। हाँ तो हम लोग काम करते हैं, सारा जो आइटम है गाइस सबको एक साथ मिला के खाते हैं, तो देखते हैं कैसा लगता है। कैसा ये लेते हैं सब एक एक करके। ये लोग भटूरे ले चुके हैं, नहीं तो थोड़ा बड़ा साइज का लेते हैं गाइस। बस ये रहा भटूरा, यहाँ पे हम लोग थोड़ा चना मसाला लेते हैं साथ में। थोड़ा सा चना मसाला लिए हैं, थोड़ा सा आलू भी ले लेते हैं और थोड़ा ग्रेवी के साथ गाइस। थोड़ा चाल लेंगे गाइस यहाँ पे और हल्का सा एक खीरा लेते हैं गाइस सलाद। गाइस आपको बताते हैं टेस्ट। ये रहा गाइस, चना मसाला आलूदम का टेस्ट बहुत अच्छा खिल के आ रहा है और चार बीच में जो हल्का टैंगी वाला फ्लेवर दे रहा है वो बहुत अच्छा लग रहा है। तो इस खीरा भी यहाँ पे जो साथ में लिए थे गाइस वो भी बहुत अच्छा लग रहा है गाइस। ओवरऑल सबका ही टेस्ट बहुत अच्छा है। तो गाइस आप लोग बीकानेर में जाके इस छोले भटूरे 130 रुपीज का आप लोग ले सकते हैं, टेस्ट बहुत अच्छा है। तो गाइस अगर आपको हमारा बीकानेर चंदामल का छोले भटूरे वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर ग्रेट वीडियोस।